ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত ভাটপাড়ার পুরানিতলার জুটমিল শ্রমিক আকাশ যাদবের বাড়িতে সিবিআই এর প্রতিনিধি দল। গত 2 মে ভোটের ফল ঘোষণার দিন বেলা 1টায় ফোনে ডেকে বাড়ির কাছে গুলি করে খুন করা হয়েছিল জুটমিল কর্মী 24 বছরের আকাশ যাদবকে। তার বাড়ি জগদ্দল ভাটপাড়ার পুরসভার 17 নম্বর ওয়ার্ডের পুরানিতলার 11 নম্বর গলিতে। মৃতের পরিবারের দাবি, আকাশ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না, মেঘনা জুটমিলে কাজ করত। ঘটনার তদন্তে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনারের প্রতিনিধি দল এসে নিহতদের বাড়িতে ছিলেন। সোমবার বেলায় আকাশের বাড়িতে আসেন সিবিআই এর প্রতিনিধি দল। তদন্তকারীরা আকাশের পরিবার এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জেনে নেন। অভিযোগ, সুমিত যাদব, সাগর, পঙ্কজ সহ অনেকেই খুনে জড়িত। সুমিতের ভাই ছোট যাদব ফোন করে ডেকেছিল। পরিবারের অভিযোগ, খুনে অভিযুক্তরা কেউ ধরা পড়েনি, ওরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এলাকায়। दो तारीख को आकाश यादव की गोली लग के हत्या होती है और उसके बाद आज उच्च न्यायालय के आदेश पे सीबीआई पहुंचे थे, क्या ऐसा बातचीत आपसे क्या क्या एविडेंस दिया उन्होंने? वो कल भी आए थे, पूछ रहे थे प्रशासन कैसा सहयोग कर रहा है, प्रशासन कैसा सहयोग कर रहा है, कितने आदमी अरेस्ट हुआ है, कितना लोगों का नाम पर FIR है, सब बताएं। बस यही कल भी आया था, फिर बोला कल आएंगे, आया फिर वही बात पूछा, फिर हमने जवाब दिया और नया कुछ तो पूछा। क्या आशा लगता है आपको सीबीआई के जांच के बाद? प्रशासन तो सपोर्ट में है ही, सीबीआई क्या करती है अब तो देखने के बाद पता चलेगा। सीबीआई के अधिकारी क्या पूछ रहे थे आपसे? वही कि कौन कौन था, जो सेम नाम है सब बताएं, कहाँ हुआ था लेकर दिखाएं, बस ये और कुछ पूछा नहीं। किसके इशारे पे हुआ था ये कुछ नहीं, हमसे पूछा आप कौन पार्टी करते हैं, हमारा तृणमूल कांग्रेस। वो लोग हम बोले 2021 में बीजेपी में आया था, लोग नया नया उड़ रहा था, लोग झंडा बैनर बांध रहा था लोग। ये जो आकाश की जो मौत हुई है वो तृणमूल कांग्रेस का समर्थक था? तृणमूल कांग्रेस, हम तृणमूल कांग्रेस करते हैं, मेरे साथ 24 घंटा रहता था। और उसकी जो हत्या के पीछे कौन लोग हैं? बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का नाम उठ के आ रहा है इसमें, क्या कहेंगे? आ रहा, उस समय झंडा बैनर बांधता था यहाँ का, सब लोग देखा था कौन कौन यहाँ झंडा बैनर बांधता था यहाँ का, कोई पता कर लीजिए। उस समय आकाश को इंसाफ मिलेगा? जरूर मिलेगा, प्रशासन तो 100% सहयोग कर रहा है। यानी बंगाल पुलिस सही से काम कर रही है? प्रशासन सहयोग कर रही है, एक को बनारस से उठा कर लाई, एक को मोकामा से उठाई, एक को नेपाल से उठा कर लाई, यानी कि बहुत सारे ऐसा धरे गए आरोपी। सीबीआई से क्या उम्मीद है? अब उम्मीद क्या है, उम्मीद क्या करना, प्रशासन मेरा सपोर्ट में है, सीबीआई आई है, देखते हैं क्या कर रही है, उम्मीद क्या करना है, उम्मीद जो है वो तो हमको करना ही है। लड़कों का नाम सामने बार बार उठ कर आ रहा है, उन लड़कों को क्या करेंगे, क्या कौन है वो? उनकी गिरफ्तारी हुई है? 3-4 को हुई है और 3-4 भागे हैं। नाम क्या उनमें से किसी गिरफ्तारी हुई? हाँ, 3-4 हुआ। ठीक है, आपका नाम भैया?